ओम अक्षस्रग परशुंगदेशुकुलशं पदमं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमशं च चर्मजलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च ददति हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर के अंतकाल में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। ग्रहों का योगा योग तो जो बन रहा है वो आपको पता ही है कि मंगल महाराज जिस प्रकार की स्थिति में है, शनि जिस प्रकार की स्थिति में है, बृहस्पति वक्री हैं, शनि वक्री हैं, मंगल जिस प्रकार से नीचावस्था में है, सूर्य नीचावस्था में है, तो ये तो ग्रहों का योगा योग है। लेकिन अक्टूबर के अंतकाल में ग्रहों के कष्ट निवारण के लिए बहुत शुभ मुहूर्त बनने वाले हैं, बहुत सिद्ध मुहूर्त बनने वाले हैं, जिनमें आपके लिए कई प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़, कई प्रकार के रास्ते आपको प्राप्त होंगे और उन रास्तों पर चलकर उन योगा योगों का लाभ लेते हुए आप विशेष तौर पर कई प्रकार के अपने कष्टों का निवारण करने का योग बना सकते हैं। 27 तारीख रविवार की बात करें, एकादशी है, सुंदर एकादशी है और रमा एकादशी से कहा जाता है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली एकादशी है। दीपावली के जो पर्व हैं वो आरंभ हुआ चाहते हैं। रमा एकादशी उस वक्त कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो पड़ती है, भगवती महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने से बहुत सुंदर योग बन जाते हैं ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से। देखिए, आपके ग्रह योग इस वक्त जिस प्रकार चल रहे हैं वो हमने आपको लगातार समझाने का प्रयास किया है। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर समझ लीजिए कि जिस प्रकार से दशम भाव, सफलता वाले भाव में बड़ी कमजोर अवस्था, क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, उनका उपाय बहुत जरूरी है। हो सके तो आप सूर्य को अवश्य अर्घ दें, सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घड़ी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना श्रेष्ठ रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 26 और 27 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र पड़ रहे हैं। ये मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, गणमूल के अंतर्गत, और कहा जाता है कि इनमें जन्म लेने वाले जातक हमेशा परिवार के लिए और स्वयं के लिए भारी होते हैं। वैसे तो गणमूल शांति अवश्य करानी चाहिए, यदि कोई व्यक्ति इनमें जन्म लिया हो या आपके घर में अभी जन्म ले रहा हो तो अवश्य उनकी मूल शांति करा लें, और किसी की नहीं कराई है तो तब भी हर महीने ये नक्षत्र घूम के आते हैं, 27 दिन तक मूल मंत्र की शांति करके इस विशेष तौर पर इसका अनुष्ठान को अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अन्य श्री के कलेश जीवन में परेशान करने के योग बनाते रहते हैं। 28 तारीख सोमवार का अवसर, तो एकादशी तिथि थोड़ी वृद्धा की तरफ है और द्वादशी तिथि का आगमन हो जाएगा और वैष्णवों के लिए ये रमा एकादशी का योग बनेगा। इसके साथ साथ गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी परिवर्तन करके बृहस्पति के जिस प्रकार का योग बनाएंगे, परिवर्तन का योग बनाएंगे, ये आपके लिए अच्छा उन्नति का, थोड़ी मेहनत करें, अपने मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, झगड़ों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें, बहुत जल्दी आपके लिए आने वाले समय में 2-3 दिनों में कुछ नया पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बन सकते हैं। इसको आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा केसर युक्त दूध भगवान को अर्पित करें, केसर इससे कल्याण के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 29 तारीख मंगलवार का दिवस, और ये विशेष तौर पर विशेष महोत्सवों को लेकर आया है, प्रदोष है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है। देखिए, मंगल इन दिनों कमजोर चल रहे हैं और देव कृपा से आने पिछले 15 दिनों में दूसरी बार ये भौम प्रदोष का योग बन रहा है, और ये भौम प्रदोष का योग मंगल के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए है। आपके सप्तम भाव में चलते हुए मंगल कहीं ना कहीं विशेष तौर पर कष्ट देने का योग बना रहे हैं, झगड़ों में फंसाने का योग बना सकते हैं, थोड़ा सा आप आंदोलनकारी ज़्यादा हो सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़ा शांत भाव, थोड़ा सा क्लेशों से बचते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है। मंगल के मंत्र का जप करें, ओम क्रां क्रीं क्रौं से भौमाय, हो सके तो गुड़ चने का भोग भगवान के मंदिर में लगाने का प्रयास करें। इस दिन बुध भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे से निकलते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो इसमें कन्या पूजन करने की सुंदर व्यवस्था बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक विशेष योग बन रहा है भौम प्रदोष, जो हमने आपको बताया, शाम के समय त्रयोदशी भी आ जाएगी, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें कि भगवान शंकर का उस प्रदोष काल में यदि आप इच्छु रस से अभिषेक करें तो ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है वो कुछ दिन आपके लक्ष्य, क्योंकि मंगल अभी करीब करीब 3-4 महीने ऐसे चलने वाले हैं, और ये मंगल जब जहाँ चलने वाले हैं ये कई मामलों में थोड़ी सब कुछ ठीक होते, शनि बदल जाएंगे लेकिन मंगल वहाँ 3-4 महीने जिस प्रकार से हैं वो थोड़ी हिम्मत नहीं देंगे। क्या होता है, कई बार हम गड्ढे से निकल कर आते हैं तो वो हम स्थिति को समझ ही नहीं पाते हैं, तो भैया समझना पड़ेगा कि ये मंगल को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। मंगल पुरुषार्थ का प्रतीक है, सामर्थ्य का प्रतीक है, और यहाँ पुरुषार्थ में थोड़ी कमी करते दिखाई दे रहे हैं आप, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। और एक खास उपाय, यमदीप दान किया जाता है इस शुभ तिथि में, कहा जाता है कि इस दिन यमदीप दान कर लेने से, क्योंकि त्रयोदशी शाम के समय पड़ रही है, और यमदीप दान कर लेने से सब प्रकार से कष्टों का निवारण हो जाता है और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, और दिवाली का महाउत्सव इसी यम पूजा से ही आरंभ होता है,
तो ऐसे में विशेष तौर पर शाम के समय प्रदोष काल में शाम के समय दक्षिण दिशा में घर की तरफ एक अन्न की ढेरी लगाकर उसमें चौमुआ दीपक वहाँ प्रज्वलित करके यमाय नमः इस प्रकार से मंत्र जप कर उसका पूजन कर अपने पितरों के निमित्त शांति का भी और साथ साथ उनके आशीर्वाद का भी यहाँ भावना रखते हुए ये दीप प्रज्वलित करें। और देखिए अपमृत्यु के योग पूरे एक वर्ष तक नहीं बनेंगे, ये बहुत सुंदर है। ऐसे में सूर्य के जो कमजोर चल रहे हैं उसको भी ठीक करने का रास्ता बहुत सुंदर प्राप्त होने वाला है। कार्यक्रम के अंत में हम पूरी तरह से वृहद रूप से बड़े रूप से आपको पूरी संपूर्ण दीपावली का पर्व किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, वो सब बताएंगे आपको, वो अच्छे सुन लीजिएगा। लेकिन ये जो दिन ये अवश्य छोटा सा प्रयोग है, 2 मिनट लगते हैं इस प्रयोग को करने के लिए, और ये इसके बाद भी एक प्रयोग किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे उस पूरे अंतिम में, आप उसको समझ लीजिएगा। 30 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि है और धन्वंतरी जयंती भगवान की इस दिन सुंदर रूप से उपस्थित हो रही है। कोशिश करें भगवान धन्वंतरी का भी पूजन करें, और जिसको डॉक्टर्स डे का वास्तु कहा जा सकता ना, आयु प्रदान करने वाले देवता भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं और अमृत कलश हाथ में लेकर उपस्थित हुए सागर मंथन से इस शुभ तिथि के दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो गज केसरी योग सुंदर रूप से आपके लिए विद्यमान है, पूरी तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करें। एक बात ध्यान रखिएगा, ये धनतेरस के दिन विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। इस दिन अपने घर में श्रीयंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, इससे घर में श्री की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, इस बात का हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया है, ये केवल धन्वंतरी जयंती जो है वो केवल धनतेरस जो है वो बर्तन खरीदने का त्यौहार बन गया है। पुराने ज़माने में बर्तन होते थे चांदी के, घर में लोग लेके आते थे और सुंदर धन संपदा की वृद्धि के लिए लेके आते थे, ऐश्वर्य के लिए लाते थे। लेकिन आजकल जो बर्तन है वो तो चांदी की तो कौन लाता है, सब लोहे के लेके आ रहे हैं। शनि मत लाइए भाई, ये ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस बारे में भी हम पूरी तरह से बताने वाले हैं आपको। 31 तारीख की बात कर लेते हैं, 31 तारीख बृहस्पतिवार है, चतुर्दशी तिथि है, छोटी दिवाली का सुंदर योग है, रूप चौदस है और साथ साथ हनुमान जयंती का भी योग पड़ रहा है। हनुमान जयंती के समय में थोड़ी भ्रांति है, आप दोनों दिन मना सकते हैं, 30 तारीख को भी 31 तारीख को भी, क्योंकि मध्यान्ह काल में मध्यान्ह के समय जिस वक्त जब चतुर्दशी पड़ रही हो तो उस दिन हनुमान जयंती का सुंदर अवसर रहता है। चूरमे का भोग लगाकर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, उनका पूजन करें, आरती उतारें और सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पूजन करेंगे तो देखिए उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय उपयुक्त दिखाई दे रहा है और खासतौर पर नए संपर्कों में इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का पूर्ण लाभ आपको मिले ऐसा हम कोशिश करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं और सोचें कि दिवाली का क्या पर्व है वो भी आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होकर आपके लिए धर्म भाव का उदय होने का योग बनेगा। चंद्रमा परिवर्तन करके करीब 11:15 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए सुंदर रहेगा, धर्म का उदय करने का योग बनेगा, धर्म में आस्था जाएगी। हनुमान जयंती भी है इस दिन और बृहस्पति वीरवार के दिन हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है, साथ साथ नरका चतुर्दशी का भी सुंदर योग बन रहा है। और इस दिन विशेष तौर पर एक प्रयोग अवश्य करना चाहिए, इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और एक आपामार्ग का पेड़ का पत्ता, छोटी सी बूटी होती है जिसको चिड़चिटा बोला जाता है, उसको रात को ही उखाड़ के रख लेना चाहिए और अपने सिर से वार कर स्नान इत्यादि करने के उपरांत उपटन लगाकर तिल का तेल से स्नान करना चाहिए। यम के निमित्त जो विशेष तौर पर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने का विधि है वो अवश्य करना चाहिए स्नान के उपरांत, और उसके बाद यम के पुत्रों के निमित्त 2 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए और उसके बाद यम का पूजन करने के बाद फिर भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये सब शास्त्र में वर्णित उपाय है। और दीपावली के संबंध में भी बता देते हैं, वैसे तो हम दीपावली के संबंध में बहुत सारी भ्रांति इस समय में उत्पन्न हो रही है कि दिवाली कब मनाई जाए। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का रहेगा, दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का शास्त्र के दृष्टिकोण से रहना चाहिए। दीपावली के संबंध में आजकल बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है, कहा गया है कि दीपावली जो है वो रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए तब दीपावली मनाई जाती है, और इस बार हो क्या रहा है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि जो ग्रह नक्षत्रों का योग जो है अमावस्या जो है वो विशेष तौर पर 1 तारीख की हम गणना करें तो शाम को करीब 6:15 बजे के आसपास तक है, और दिल्ली में हम सूर्यास्त की बात कर रहे हैं तो करीब सूर्यास्त जो हो रहे हैं 5:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रदोष काल में सुंदर, शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल में यदि अमावस्या मिल जाए तो वही श्रेष्ठ काल है भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए। जो लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करें, रात्रि में प्रदोष काल रात्रि ही का ही प्रथम पहर मान लिया जाता है, तो उसमें
रात्रि में अमावस्या मिल रही है, उदय तिथि अमावस्या मिल रही है, तो औचित्य ही नहीं है कि आप 31 तारीख को दीपावली मनाएं। ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। कुछ लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रदोष काल में उस दिन पहले ही मिल जाएगा। उदय तिथि मिल रही है और प्रदोष काल में जा रही है 1 तारीख को अमावस्या, तो फिर किस बात का? स्वाति नक्षत्र भी जो विद्यमान है वो रात्रि में मिल रहा है, तो फिर क्यों विशेष तौर पर हम भ्रांति में फंसे? कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को गलत रूप से उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में वर्णित है प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या शुद्ध रूप से विद्यमान है और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि में इस बात को प्रतिपादित किया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ लोग जबरदस्ती धर्म के प्रति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। 1 तारीख को ही दीपावली का सुंदर पर्व रहेगा, उसको इसी प्रकार से मनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। महालक्ष्मी की सुंदर पूजन 1 तारीख को ही। तो अभी आपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बनेंगे उसको समझा। अब ये समझ लीजिए कार्तिक का महीना यह बड़ा अद्भुत महीना है। कार्तिक के महीने में कहा जाता है भगवान विष्णु के निमित्त जो अनेक आराधनाएं की जाती हैं वो समस्त प्रकार के कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती है। कार्तिक का महीना उत्सवों का महीना है और देवउठनी एकादशी भी इसी महीने में आती है, तो इसलिए इस पूरे मास में भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दिवाली, अनेक प्रकार के उत्सव वो सब इसके अंदर आ ही रहे हैं। अहोई अष्टमी, करवा चौथ, ये सब के सब इसमें आए। अभी आपने सब इसके बारे में महत्व सुना। अभी आने वाले समय में विशेष तौर पर देवउठनी एकादशी, तुलसी पूजन, समस्त प्रकार के अद्भुत उत्सव इसमें आएंगे। देव दिवाली का भी सुंदर उत्सव भी इसी कार्तिक के महीने में आता है, तो ये कार्तिक के महीने में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजन, साथ साथ महालक्ष्मी के पूजन करने का जो शास्त्र में विधान है, ये छोटी छोटी परिपाटियाँ नहीं हैं। ये वास्तविक तौर पे हमारे जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत जो मुहूर्त है, इसका हमको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको समस्त दिनों के उत्सवों के संबंध में जो भ्रांतियाँ वो भी बताई, आपके भविष्य में किस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए, और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन समस्त सूत्रों को यदि समझकर आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए आजकल ज्योतिष जो है ना वो वास्तविक तौर पर केवल शुष्क ज्योतिष लोगों करने का प्रयास किया जा रहा है, आध्यात्मिक साथ जोड़ा ही नहीं जा रहा है। वैदिक ज्योतिष आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वैदिक ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष को वास्तविक तौर पर पुरानी कथाओं के माध्यम से ही समझाया गया है और हर चीज को, हर सूत्र को हमारी भारतीय संस्कृति में कथा के साथ जोड़ दिया गया है। उस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक अर्थ भी होता है। यदि उन अर्थों को समझकर आप उन सूत्रों को समझ लें कि किस प्रकार से हमें कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए जो हमारे जीवन में कष्टों का निवारण करें, वही इस ज्योतिष का उद्देश्य है, और उन समस्त सिद्धांतों को ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो जो उपाय हमने बताए, चाहे वो दिवाली के उपाय हों, चाहे वो धनतेरस के उपाय हों, और धनतेरस के दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया कि यमदीप दान का एक मुहूर्त बताया था आपको, दिवाली का ही मेन उत्सव है, उसको अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार की। हमारे यहाँ दिवाली एक दिन की या दो दिन की दिवाली नहीं होती, आमतौर पर क्या होता है छोटी दिवाली बड़ी दिवाली एक भ्रांति के रूप में लोगों के मनोमस्तिष्क में आ जाती है, लेकिन दिवाली भारतीय संस्कृति में 5 दिन की मनाई जाती है, जो धनतेरस से आरंभ होती है और विशेष तौर पर जाती है भैया दूज तक। ये दिवाली का महापर्व है, और दिवाली का महापर्व जो है मृत्यु के देवता से आरंभ होकर मृत्यु के देवता पर ही समाप्त होता है। धनतेरस के दिन यमदीप दान, यम पूजन करने का नियम बताया जाता है, और अंतिम में यम द्वितीया के साथ ये मुहूर्त आरंभ होता है। यानी भारतीय संस्कृति में इस बात को समझें कि किसी भी चीज़ का भय नहीं है, यानी यम का मतलब मृत्यु के देवता, उनके भी पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है, और यदि आप यमदीप दान कर लें, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक, यानी इस यमदीप दान से अगले यमदीप दान तक, यानी कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अगले वर्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक की त्रयोदशी तक, आप मृत्यु होने के योग नहीं बनेंगे। केवल 1 दीपदान यदि कर लिया जाए, सूत्र भी समझ लीजिए किस प्रकार से शास्त्र के अनुसार से उसको बताया गया है। शास्त्र के 29 तारीख को ये योग हमने जो बताया आपको, उस दिन यम दीपदान का सुंदर मुहूर्त बन रहा है, और विशेष तौर पर 29 तारीख से ये आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में उस दिन त्रयोदशी आ जाएगी, तो उस दिन से ये योग बन के आरंभ हो जाएगा। उस दिन से यदि आप इन उपायों को कर लें तो शास्त्र के दृष्टिकोण समझिएगा अद्भुत रूप से योग बन जाएगा। इस बार दीपावली का जो उत्सव है 29 तारीख से आरंभ हो रहा है, यम दीप दान से उसको करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन 29 तारीख की शाम के समय एक सूत्र समझ लें, एक अद्भुत रूप से क्या शास्त्र बताया गया है कि उस दिन एक दीपक, चौमुखा दीपक लेकर अपने घर के दक्षिण दिशा में उसको प्रज्वलित करना चाहिए यम के नाम पर।
और विशेष तौर पर इसको जल प्रज्वलित करने के लिए शिव दीप दान करने की जो व्यवस्था की जाती है, कहा जाता है कि इस दीप को यदि एक दिन जला उस दिन जला दिया जाए अन्न की ढेरी बनाकर, एक आटे का चौमुआ दीपक लेकर वहाँ पे यमाय नमः इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि उस दीप को जला दें और उससे पहले उस दीप की आरती अपने पूर्वजों के निमित्त दक्षिण दिशा में दिखाकर अपने पितरों को दिखा दें, तो ये केवल एक दीपदान आपको एक वर्ष तक किसी भी प्रकार की अपमृत्यु से, यानी अपमान के होने के योग, आपके नाम को खराब होने के योग, कैसे भी कष्ट हो उनसे रक्षा करने का ये अद्भुत रूप से उपाय शास्त्र बताया जाता है। तो ये अवश्य कर लेना चाहिए शास्त्रीय दृष्टिकोण से। और इसके बाद अगले दिन धन्वंतरी भगवान का सुंदर पूजन रहेगा जो 30 तारीख को रहेगा, बुधवार के दिन, जिस प्रकार से हमने आपको बताया भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी कौन? आमतौर पर लोग इस उत्सव को कटोरी लाने का या बर्तन लाने का उत्सव मना लिया है। यमदी धन्वंतरी वास्तविक तौर पर अमृत कलश लेकर जो उपस्थित हुए उस सागर मंथन से, वो देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी आयुर के देवता है, आयुर अमृत को प्राप्त कराने वाले देवता है, उनका पूजन करने का शास्त्र में विधान है। वास्तविक तौर पर यदि उनका पूजन रूप से किया जाता है, नहीं तो आज की तारीख में, पुराने जमाने में धन का जो वास होता था वो बर्तनों में होता था, क्योंकि वो वास जो बर्तनों में होता है वो विशेष तौर पर या तो हमारे चांदी के बर्तन होते थे या विभिन्न समृद्धि के बर्तन होते हैं। आज की तारीख में तो लोहे के बर्तन हैं। यदि उनको घर ला रहे हैं तो शनि को घर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बर्तनों का उत्सव ना बनाए, सुंदर रूप से शास्त्र के विधान के अनुसार से सुंदर उनका पूजन करके आरंभ करने का प्रयास करें तो बड़ा सुंदर रहेगा। उस दिन जो 29 तारीख 30 तारीख को योग बन रहे हैं, त्रयोदशी उदयातिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, सुंदर पूजन उनका करने का प्रयास करें तो अद्भुत रूप से आपके कल्याण के योग बनेंगे। भगवान धन्वंतरी का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु के स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और वो आयुष को प्रदान करने वाला माना जाता है। 31 तारीख को छोटी दिवाली का भी पर्व है, जिसको कहा जाता है हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी का सुंदर योग पड़ रहा है। कहा जाता है इस दिन सुबह सुबह जब सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और अपने पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करना चाहिए। तिल के तेल का मर्दन करना शास्त्र में बताया गया है। और एक अपामार्ग का पेड़ होता है, कहा जाता है कि इस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे से वार कर रख देना चाहिए एक तरफ, जिससे नजर बजर अलाय वलाय सब निकल जाए। और सूर्य उदय से पहले इस प्रोसेस को करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। और उसके साथ साथ जैसे ही सूर्य उदय से पहले स्नान करने के उपरांत अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक, जिनको यमराज के रूप में ही उपस्थित किया जाता है, 2 श्वानों के रूप में उनको 2 दीपक वहाँ जला दी जाते हैं और उनको जला के रख देना चाहिए उनका पूजन। ये पूरा यमदीप दान होगा इस बार, क्योंकि यमदीप दान एक दिन पहले पड़ रहा है, लेकिन आमतौर पर यदि त्रयोदशी पूरी रात प्रदोष काल तक विद्यमान होती है तो शाम को यमदीप दान किया जाता है, लेकिन ये यमदीप दान जो है वो एक दिन पहले इस बार हो गया है। तो इसका जो 31 तारीख को सुबह सूर्य उदय से पहले इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और कहा जाता है इस प्रोसेस को यदि पूरा कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने का योग बनता है। इसके साथ साथ हनुमान जयंती मध्य पर्व में आएगी, दोपहर के समय सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर चूरमा बनाकर घर में भोग लगाएं उसके बाद, और उनका पूजन करें बड़े आनंद के साथ। और साथ साथ नरकासुर का भी संहार भगवान कृष्ण ने इसी दिन किया था, तो उनके निमित्त विशेष तौर पर सुंदर पूजन करने का, शाम को शालिग्राम भगवान का पूजन करते हुए कार्य किया जाना चाहिए। इस दिन अभ्यंगम का भी शास्त्र रूप 14 भी कहा जाता है, तो उपटन लगाकर जो सुबह सुबह का प्रोसेस है कि जो तिल के तेल में उपटन लगाकर अपने पूरे शरीर पर मर्दन करना, उसके बाद यम के निमित्त तर्पण किया जाता है 14 मंत्रों से, जो दक्षिण की दिशा में बैठकर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने की शास्त्र में विधि बताई गई है। यम के समस्त 14 मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यंग जो विशेष तौर पर जो रूप 14 का पूर्ण विधि बताया गया, उसके बाद 2 दीप जलाए जाते हैं घर के बाहर सूर्य उदय से पहले पहले मुख्य दरवाजे के दोनों भागों पर, तो अवश्य इसका पूर्ण नियम करना चाहिए। और 1 तारीख को दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। ये दिवाली का पर्व बड़ा आनंददायक पर्व है, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया है कि दिवाली कब मने, 31 तारीख को। क्या कारण क्या है कि लोगों को अज्ञान तो है नहीं, अब जो रात्रि के समय अमावस्या का प्रयोग करते हुए लोगों ने बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। देखिए 1 तारीख को सूर्य उदय के साथ साथ प्रदोष तक, यानी करीब करीब शाम को 6:15 बजे तक आपको अमावस्या मिल रही है और प्रदोष काल प्रशस्त है। यदि प्रदोष काल के अंदर सुंदर योग बने तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूजन कर लेना चाहिए। तो शाम के समय यदि प्रदोष काल में जो अमावस्या आपको मिल रही है तो उसमें उसका पूजन किया जाए। 31 तारीख का दिवाली का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन दोपहर के बाद करीब करीब 3 बजे के आसपास अमावस्या आई और लोगों ने कई भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। स्वाति नक्षत्र भी आपको 1 तारीख को ही मिल रहा है और साथ साथ शाम के प्रदोष काल तक
तो प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल में अमावस्या है, आपके पास उदय तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है, तो कोई भ्रांति उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सूत्र है कि प्रदोष काल के अंदर जिस सुंदर रूप से उदय तिथि के रूप में अमावस्या विद्यमान है तो उसी दिन दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। इसमें कोई भ्रांति उत्पन्न करने की कतई जरूरत नहीं है, शास्त्र विधि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अगले दिन गोवर्धन का पूजन रहेगा। 2 तारीख को गोवर्धन भगवान विष्णु के निमित्त अन्नकूट का पूजन किया जाता है, और प्रदोष काल में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करते हुए भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का अन्नकूट इत्यादि का प्रसाद सुंदर रूप से बनाया जाता है, तो वो भी कार्यक्रम जो रहता है वो भी बड़ा अद्भुत रूप से शास्त्र के अंदर वर्णित है, और ये सारे के सारे कर्म अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और, ये गोवर्धन का जो दिन माना जाता है जिसके अंदर प्रतिपदा के दिन ये योग मनाया जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, ये वो मुहूर्त है कि जिस दिन जैसा करोगे पूरे आने वाले 365 दिन तक वैसा आपके साथ होगा। और आप समझें कि आमतौर पे क्या होता है, लोग देर तक जागरण करते हैं, उसके सुबह देर में उठते हैं, तो पूरा साल ही आलस में रहता है। तो इस दिन कम से कम सुबह जल्दी उठकर भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए अन्नकूट इत्यादि का पूजन करें, भगवान पर विश्वास रखते हुए कार्य करें, और गोवत्स गाय का पूजन करें। गो क्रीड़ा का भी शास्त्र में विधान बताया जाता है, भगवती का पूजन करने का शास्त्र में विधान बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करके सुंदर रूप से समय निकालने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आनंद भाव से रहें, गुस्से में ना रहें, आलस में ना रहें, क्योंकि ये जैसा हमने कहा 365 दिन तक वैसा ही होने के आपके साथ योग बनेंगे। आमतौर पर नए साल के दिन लोगों ने कह देते हैं रेजोल्यूशन पास कर लो, आज जो करोगे वैसा पूरे साल बनेगा, वो 1 जनवरी का नहीं है भाई मुहूर्त, वो विशेष तौर पर कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन का मुहूर्त है। तो इस दिन यानी गोवर्धन वाले दिन इस बार 2 नवंबर को योग पड़ रहा है, तो आनंद के साथ उस पर्व को मनाने का प्रयास करें। और साथ साथ इसके बाद दीपावली का अंतिम पर्व जो होता है वो होता है यम द्वितीया, भाई दूज का पर्व। कहा जाता है कि यमुना जी भगवती जो यमराज जी की बहन है, और इस दिन यमुना जी ने बड़े सत्कार के साथ यमराज जी को बुलाया था और कहा था कि कभी आप हमारे घर नहीं आते हैं, तो उस दिन यमराज जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से उस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है, और बहन भाई की दीर्घायु के लिए उसको तिलक करती हैं, तो ये अवश्य नियम पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अद्भुत पर्व हैं, और इन सब मुहूर्तों के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए दीपावली पर्व के अंदर अपने घर में सिद्ध महालक्ष्मी का यंत्र स्थापित करें, साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने का प्रयास करें। यह महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है, और महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है समस्त कष्टों का निवारण किया था। जब दीपावली का पूजन करें आप दीपावली के दिन, यानी जो इस बार दीपावली का जो 1 नवंबर को सुंदर पर्व पड़ रहा है, उस दिन पूजन के अंत में भगवती को कमल के पुष्पों की एक विशेष तौर पर शैया प्रदान की जाती है, और पूजन के अंत में यदि कमल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो मखानों को ले सकते हैं आप, और मखानों को लेकर सुंदर तो एक प्लेट में रखकर उनके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें, और महालक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर श्री सूक्त के मंत्रों से करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उस दिन यज्ञ इत्यादि करें, आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। ये एक सिद्ध मुहूर्त हैं ये सब के सब, तो अवश्य इन सब मुहूर्तों में सुंदर रूप से पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अद्भुत रूप से आपके जीवन में समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। सिद्ध महायंत्र विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सिद्ध यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए महालक्ष्मी, और पूरे वर्ष उनकी पूजन करने की सुंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए, और ये समस्त प्रकार के आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती हैं ये सारी चीज़ें। और शंख दक्षिणावर्ती शंख इस दिन यदि घर में स्थापित करें तो कहा जाता है साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाते हैं ये सब निधियाँ, तो अवश्य शास्त्र के दृष्टिकोण से इन सुंदर मुहूर्तों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, बहुत आनंद रहेगा।